जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर भर्ती से जुड़े इन 10 बड़े नियमों को जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर कमेंट इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो दोस्तों उस पर क्लिक करके आप यह पूरा वीडियो देख सकते हैं। और चलिए बात करते हैं आज की खबर पर। सेना की अग्निवीर भर्ती में देश भर से लाखों युवा हर साल देश सेवा का जज्बा लिए सेना की वर्दी पाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। जब से अग्निवीर सेना भर्ती में दौड़ से पहले ऑनलाइन सीईई कर दिया गया है तब से अधिकतर युवा एग्जाम मेरिट में ही बाहर हो रहे हैं, जबकि इससे पहले अधिकतर युवा दौड़ में और इसके बाद फिर नंबर आता था बाहर होने के लिए। हाइट यानी कि लंबाई में भी बहुत सारे युवा सेना भर्ती से बाहर हो रहे हैं। और देखिए ऐसा इस बार अग्निवीर सेना भर्ती में भी देखने को मिला, जब बहुत सारे युवा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यहाँ तक कि कई युवा तो 1 सेंटीमीटर से भी कम लंबाई कम होने के चलते सेना भर्ती से बाहर हो गए। क्योंकि देखिए सेना में जो नियम है वो सभी के लिए है, लेकिन ऐसे में वो युवा जो भर्ती के लिए वैसे तो पूरी तरह फिट हैं, हर तरह से योग्य हैं, बस उनकी 1 या 2 सेंटीमीटर लंबाई कम है, तो ऐसे में अब वो युवा दूसरे राज्यों के मूल निवास सहित अन्य दस्तावेज बनवाकर वहां की अग्निवीर सेना भर्ती रैलियों में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अग्निवीर भर्ती में देश भर के सभी राज्यों के युवाओं के लिए लंबाई एक समान नहीं है, यानी लंबाई सभी के लिए बराबर नहीं मांगी जाती है। बहुत सारे राज्यों के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती में हाइट दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम भी ली जाती है। जैसे बात करें उत्तर पश्चिम के मेरठ और आगरा डिवीजन के अंडर आने वाले सेना भर्ती कार्यालयों की, तो यहाँ पर अग्निवीर जीडी के लिए अभ्यर्थियों की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। इसी तरह पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली राजस्थान इन सभी राज्यों में भी हाइट जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जबकि सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय असम पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के युवा गंगटोक दार्जिलिंग कैलिम्पोंग यानी इन सभी जगहों के युवाओं के लिए लंबाई यहां पर भर्ती में सिर्फ 160 सेंटीमीटर ही मांगी जाती है, क्योंकि वहां का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि जिससे कि युवाओं की लंबाई ज्यादा बढ़ती ही नहीं है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की बात करें गुजरात छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र दादर नगर हवेली सहित कई अन्य जगहों के युवाओं के लिए भी अग्निवीर जीडी में लंबाई 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है। अब ऐसे में उन राज्यों के युवा जिनके यहाँ पर लंबाई ज्यादा मांगी जाती है और उनकी लंबाई थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो वो युवा अब उन राज्यों के अलग अलग जिलों के मूल निवास या उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट बनाकर वहां की भर्ती रैलियों में शामिल हो रहे हैं जहां पर लंबाई कम मांगी जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा संभव है कि कोई दूसरे राज्य का मूल निवास बनवाकर सेना की अग्निवीर भर्ती में शामिल हो सकता है, सेना में भर्ती हो सकता है? तो देखिए दोस्तों इसका सीधा सीधा सा जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ऐसा करना पूरी तरह गलत है, और अगर ऐसा करते कोई पाया भी जाता है तो उसे भर्ती से बाहर कर दिया जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए ये सब हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेना भर्ती कार्यालय की भर्ती में सामने आया है, जहां पर युवाओं का फाइनल मेरिट में नंबर आने के बाद जब उन युवाओं को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उनमें से काफी युवाओं के दस्तावेज फर्जी पाए गए, और इन्हीं फर्जी दस्तावेज वाले युवाओं में 4 युवा उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिले के भी शामिल है। इन युवाओं की लंबाई अपने राज्य की सेना भर्ती अग्निवीर भर्ती के हिसाब से कम थी, इसलिए इन्होंने एमपी के दस्तावेज बनवा लिया और वहां की भर्ती में शामिल होकर वो भर्ती की तमाम प्रक्रियाओं को भी पार कर गए, लेकिन अंतिम पड़ाव में आकर दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें इस भर्ती से बाहर कर दिया गया। इसलिए दोस्तों आप में से कोई भी ऐसा करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी यही कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप सभी से बस यही कहना है कि आप सेना भर्ती में किसी भी तरह का गलत काम करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो एक तो आपकी वो मेहनत खराब चली जाती है, उल्टा आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिससे आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपको सरकारी क्षेत्र में किसी भी जॉब के लिए हो सकता है फिर आपकी योग्यता ना रहे, आपको ब्लैक लिस्टेड तक भी किया जा सकता है, और ऐसी कई जगह कार्रवाइयां की गई हैं। इसलिए मेरे दोस्तों कोई भी गलत कार्य करने से बचते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।